हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद हमारी फिर से मुलाकात हो रही है ना? हम कब मिले थे? आई गेस 1 वीक तो हो गया होगा ना, जब हम दौड़ते भागते हुए आए थे आपको ये बताने कि बच्चों मेरी रात की बनाई हुई सब्जी खराब हो गई है, लेकिन आप अपनी सब्जी नहीं खराब होने देना। और मैंने आपको बताया था कई सारे फूड प्रिजर्वेशन के टेक्निक्स। सो हैव यू ऑल वॉच दैट वीडियो? इफ नॉट, देन प्लीज गो एंड चेक ऑन द चैनल वेदांतु यंग वंडर्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर ऑफ क्लास 8 पार्ट 2। आई इन दैट वीडियो आई टोल्ड यू ऑल अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। आई ऑल्सो टोल्ड दैट हाउ वी कैन प्रिजर्व द मिल्क फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो अगेन, आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं नया, उसी चैप्टर के बचे हुए दो टॉपिक्स जो अभी हमें कंप्लीट करने हैं। बट बिफोर दैट थोड़ी सी चिट चैट तो बनती है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन माई क्लास रूम वेयर वी लर्न विद फन, वेयर वी लर्न विद फन। आई विल अगेन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विद माई नेम इज अपूर्वा, क्योंकि हो सकता है ना कि 1 वीक में आप लोग हमको भूल चुके हो। भूल गए हो क्या? जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, डू यू ऑल रिमेम्बर मी एंड हाउ यू ऑल आर डूइंग। ठीक है, क्या हम आपको याद है? और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप सब कैसे हो। आई एम डूइंग वेल, आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन एंड होप द सेम फॉर यू, बट आई वॉन्ट टू लिसन इट फ्रॉम यू ऑल्सो। क्लियर? सो जस्ट ड्रॉप योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स दैट हाउ यू ऑल आर डूइंग एंड डू यू रिमेम्बर मी और नॉट। सो अगेन गैदरिंग ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स फ्रॉम एवरीवेयर, लेट्स बिगिन द सेशन विद पॉजिटिविटी, विद पॉजिटिविटी। So, to make us feel motivated, to make us feel positive, I have a quote for all of you. I have a quote for all of you that is, try, try, try and keep on trying is the rule that must be followed to become an expert in everything. मतलब आप तब तक कोशिश करते रहो जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। सपोज यू वॉन्ट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, तो आप तब तक ट्राई करते रहो, तब तक आप एग्जाम्स देते रहो, तब तक आप स्टडीज करते रहो, अनलेस एंड अंटिल यू डोंट अचीव योर गोल ऑफ बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पता है मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है, इन दिस वेदांतु बैच ओनली एक स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट मुझसे क्या कहती है कि मैम मैं बड़ी होके ना एस्ट्रोनॉट बनूंगी, लेकिन आप मेरा एक छोटा सा काम करना। मैंने कहा क्या काम करना है मुझे? तो एस्ट्रोनॉट बन जाएगी, मुझे क्या करना है? तो वो मुझसे क्या कहती है कि मैम वेदांतु में ना मेरे लिए एक सीट रोक के रखना। मैंने कहा क्यों? कहती क्या है, मैं जब वहां से 60 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाऊंगी ना, तो मैं यहाँ आके पढ़ाऊंगी। सो हर गोल इज टू शेयर द नॉलेज विद अदर्स। और वो जानते हो क्या, वो ट्राई करके अपना एस्ट्रोनॉट बनने का भी सपना पूरा करना चाहती है और बाद में वो नॉलेज को दूसरे यंग माइंड से शेयर करके भी अपने गोल को अचीव करना चाहती है। ठीक, तो शी विल बी ट्राइंग ना, वो ट्राई जरूर करेगी। आई गिव हर ऑल द बेस्ट। सो सेम गोज विद अस ऑल्सो, दैट इफ यू वॉन्ट टू बिकम एक्सपर्ट इन समथिंग, इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, इफ यू वॉन्ट अवर दैट ड्रीम शुड कम ट्रू, सो वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अनलेस एंड अंटिल वी डोंट अचीव इट, अनलेस एंड अंटिल वी डोंट अचीव दिस। सो विद दिस पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी सॉरी विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स बिगिन द सेशन। नाउ आई हैव वन रिडल फॉर ऑल ऑफ यू एंड दैट इज, आई एम द ओनली ऑर्गन That named myself. What am I? मैं एक ऐसा ऑर्गन हूँ जिसने खुद का नाम रखा है। सपोज मेरा नाम अपूर्वा है और मैंने अपना अपूर्वा नाम खुद से रखा होता। ठीक, तो सेम वे दिस रिडल दैट ऑर्गन इज आस्किंग यू कि मैं एक ऐसा ऑर्गन हूँ जो अपना नाम खुद से रखता है या रखा है। ठीक, वॉट एम आई, मैं कौन हूँ? सो एवरी वन हैज टू टेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, एंड आई विल बी रिवीलिंग द करेक्ट आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। आई विल बी रिवीलिंग द करेक्ट आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, नाउ
Moving forward, I have one image for all of you. So, if you are not able to identify, let me make you aware that that this is tomato. That this is tomato. Okay? What it is? It is tomato. So, if this is tomato, then you have to tell that which bacteria or which fungus or which microorganism is responsible for the destruction of this tomato. Is tomato ko kharab karne mein kaun se microorganism ka hand hai, ye aapko identify karna hai. Clear? Okay, let's move. And where you have to share your answer? Same in the comment box. So you have to tell me three things. How you are all doing? Do you remember me or not? Okay, second one is that answer for the riddle question. And the third one is identify the microorganism which is destroying this tomato plant. Clear? Okay. Now, let's come to the part 3 of chapter number 1st from grade 8. Let's come to the part 3 of chapter number 1 from grade 8. बहुत से बच्चों में ये chapter number 2 भी होगा. But the book which I use in that, it's chapter number 1. So, I'm saying it is at chapter number 1. Okay. So, we were left with only two topics, that is nitrogen fixation and nitrogen cycle. We were left with only two type topics, that is nitrogen fixation and nitrogen cycle. So, let's focus on nitrogen fixation first. So, as we already recall this, that food preservation is the technique of treating and handling the food to stop, to control or to slow down its spoilage. Okay. And there are different methods through which we can preserve the food. By common salt, by oil and vinegar, by sugar, by keeping them in refrigerator. Many other ways are there. Okay. So now, first of all, tell me that what is the percentage of nitrogen in atmosphere? As per me, the percentage of nitrogen in atmosphere is 78%. Okay. Out of 100% of air, 78% of air comprises of nitrogen. So, if we talk about nitrogen, then nitrogen is the most important element for all the living organism. Nitrogen jo hota hai, wo jitne bhi living organism hai, chahe plant hai, chahe animal hai, chahe human beings hai, sabke liye ek important component ki tarah se behave karta hai. Why? Because majority of the substances which all the living organisms consume are made up of nitrogen. Is it clear? Okay. Now, but the nitrogen which is present in the atmosphere, हमने last session भी बताया था आपको कि rhizobium bacteria के बारे में और क्या बताया था कि जो rhizobium bacteria होता है वो atmosphere में से nitrogen को लेता है और soil में ले जाके उनको fix करने का काम करता है. ठीक है? और वो rhizobium bacteria कहाँ रहता है? Root nodules में रहता है. तो आपको symbiotic relationship समझाया था. If you have forgotten these things, अगर आप ये चारी चीजें भूल चुके हो, so please refer, please watch again the part 2 of this chapter, part 2 of this particular chapter. ठीक? तो ये जो nitrogen होता है, ये 3 bonds से मिलके बनता है. मतलब अगर एक nitrogen का molecule ये है और एक nitrogen का molecule ये है, तो इन दोनों के बीच में टोटल कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे? 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे. कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे? 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे, जिसको हम बहुत इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं. सपोज अगर हम आपको एक स्टिक दें तो आप उसको इजीली तोड़ लोगे, लेकिन अगर हम 3 स्टिक्स का बंडल बना दें तो आपको तोड़ने में दिक्कत आएगी ना. तो सेम इज हियर आल्सो, दैट इफ द नाइट्रोजन इज हैविंग द 3 कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक? कोवेलेंट मतलब क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है. मतलब तुम हमें दो, हम तुम्हें दें. हम तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं, तुम हमें क्या दोगे? सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर ऑन माय वीडियो. सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड
शेयर ऑन माई वीडियो। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जहां पे लेन देन चलती है, मतलब आप हमें दोगे हम आपको देंगे वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक। तो नाइट्रोजन के जो दो मॉलिक्यूल्स हो गए वो आपस में कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से बॉन्ड तो टूटता नहीं है, तो वो क्या रह जाते हैं, अनरिएक्टिव। क्या रह जाते हैं, अनरिएक्टिव रह जाते हैं, मतलब रिएक्शंस नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उनके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। क्लियर? ओके, नाउ सिंस नाइट्रोजन इज वेरी वेरी अनरिएक्टिव, ओके, सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपल कंपाउंड्स, ठीक। नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर नाइट्रोजन को यूज करना है तो हमको उसको उसके सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड दो सिंपल कंपाउंड्स आर अमोनिया, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स। अमोनिया, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स, दीज आर द सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, दीज आर द सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाउ If we have to convert the atmospheric nitrogen into its compound, ठीक है, अगर आपको atmospheric nitrogen को उसके compounds में change करना है, तो आपको follow करना पड़ता है कौन सा process? Nitrogen fixation का process. कौन सा process follow करना पड़ता है? Nitrogen fixation का process follow करना पड़ता है. तो nitrogen fixation के process में क्या होता है? कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर है जिसमें 78% नाइट्रोजन है, उसको कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज अपने पास सक करके स्टोर करें और उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में चेंज कर दें। वो बैक्टीरिया क्या करें, वहां से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने पास खींच लें और सॉइल में ले जाके फिक्स करें, और कैसे फिक्स करें, उनके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करने के बाद। क्लियर? ओके, नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी डन बाय लाइटनिंग आल्सो एंड कैन बी डन बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल आल्सो। बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमकती है तो क्या होता है, उसको लाइटनिंग बोलते हो। तो जो बिजली चमकते हुए आती है, मतलब जो लाइटनिंग होती है, वो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखती है, वो नाइट्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक। और दूसरा क्या है, जो सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया, जिनका हमने नाम बताया था राइजोबियम बैक्टीरिया, वो राइजोबियम बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, Now, due to high temperature and pressure created during lightning, the strong covalent bonds of nitrogen are broken, making it free to combine with other elements. जब ये बिजली चमकती है, तो इसकी वजह से क्या होता है? Temperature बहुत high हो जाता है और pressure भी बहुत ज़्यादा high हो जाता है। तो ये high temperature और high pressure क्या करता है? Nitrogen के बीच में present covalent bonds को तोड़ देता है, मतलब ये वाला नाइट्रोजन भी फ्री हो गया, ये वाला नाइट्रोजन भी फ्री हो गया। तो अब ये नाइट्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ मिलके, ऑक्सीजन के साथ मिलके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे, जो फर्दर हम यूज कर सकते हैं प्लांट्स में, जो फर्दर हम यूज कर सकते हैं प्लांट्स में। ओके, सो व्हेन द लाइटनिंग हैपेंस देन द नाइट्रोजन इज फ्रीड अप, द नाइट्रोजन क्यों होती है, उसको फ्री हो जाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसके बीच के बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो दो नाइट्रोजन जब फ्री हो गई तो वो किससे कंबाइन होगी, ऑक्सीजन से कंबाइन होगी। ऑक्सीजन कहाँ से मिला, एटमॉस्फेयर से मिला, कहाँ से मिला, एटमॉस्फेयर से मिला, और वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगी, दैट इज NO2, दैट इज NO2। क्लियर? ओके, अगेन हाउ डज नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन टेक प्लेस, भाई बिजली चमकी थी तो नाइट्रोजन अभी अभी ऐसे फ्री फ्री होके एटमॉस्फेयर में घूम रहे थे और अचानक से बारिश हो गई, एसिड रेन हो गई, ठीक। तो एसिड रेन होती है तो उसमें नाइट्रिक एसिड भी आता है, ठीक। तो वो नाइट्रिक एसिड कहाँ से आएगा, जो
सॉरी जो फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रोम कर रहे थे, घूम रहे थे, वही क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 की फॉर्मेशन कर देते हैं और सॉइल में जाके फॉल हो जाते हैं, सॉइल में जाके फॉल हो जाते हैं, और वो सॉइल की नाइट्रेट्स वाली जो क्वांटिटी होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, सॉइल की नाइट्रेट्स वाली क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, सो एवरीवन विल टाइप इन द कमेंट बॉक्स एज यो यो, यो यो इट इज क्लियर, यो यो इट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो हैपेंस फ्रॉम द बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर, ओके। दीज आर द टू बैक्टीरियाज विच शो द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट एंड हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, राइजोबियम बैक्टीरिया और एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जिन प्लांट्स की रूट में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता है। तो ऐसे बैक्टीरियाज भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ दीज बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ दीज प्लांट्स एंड बाय बीइंग प्रेजेंट देयर दे हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, दे हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाउ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन इनटू अमोनिया दैट इज NH3, इट इज NH3। मतलब प्रॉपर नाइट्रोजन में तो फिक्स नहीं कर सकता था क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो फ्री अप्ड, जो फ्री प्रेजेंट नाइट्रोजन है, वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरियाज उनको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद, अमोनिया की फॉर्मेशन करवाने के बाद, उनको सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। और जो अमोनिया होता है ये थोड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो इसीलिए ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये अमोनिया को उसके नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स फॉर्म में चेंज करते जाते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स फॉर्म में चेंज करते जाते हैं सो दैट इट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, सो दैट इट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, क्या हुआ, नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में चेंज किया उन्हीं बैक्टीरियाज ने, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। ठीक, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज क्या करता है, सॉरी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज क्या करता है, अमोनिया को नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में चेंज करता है, लेकिन अमोनीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, वो नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर देता है। ठीक, पहले काम करेगा अमोनीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करेगा, उसके बाद आएंगे छोटे वाले भाई दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया बड़ा भाई, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया छोटा भाई, अमोनिया अमोनीफाइंग बैक्टीरिया मतलब बड़ा भाई अपना काम पहले करके चला गया, उसने नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर दिया, लेकिन अब जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो छोटा भाई है, वो क्या करता है, वो आता है अब अमोनिया को नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में चेंज करने के लिए, नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में चेंज करने के लिए, सो दैट इट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, सो दैट इट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। सो हाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन हैपन, आइदर बाय लाइटनिंग और आइदर बाय द बैक्टीरिया। एंड व्हाट आर द टू नेम्स ऑफ द बैक्टीरिया, राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर, राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया। नाउ लेट अस स्टडी द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ ग्रेड 8 दैट इज नाइट्रोजन साइकिल, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, जब आप लोग छोटे थे तो आप लोग ने पढ़ा होगा ऑक्सीजन साइकिल, आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बन साइकिल, सेम वे वी हैव नाइट्रोजन साइकिल ऑल्सो इन आवर एनवायरमेंट, सेम वे वी हैव नाइट्रोजन साइकिल ऑल्सो इन आवर एनवायरमेंट। सो वेन एवर द प्लांट एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इन टू नाइट्रोजनस कंपाउंड
दैट इज टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन. मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सबकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. ठीक. तो जब कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, मर गया कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, ठीक है, तो क्या करते हैं वो, भाई उसको तो एज इट इज सॉइल में हम ले जाके डंप कर देते हैं. जब सॉइल के ऊपर कवर कर दिया तो जमीन में हम क्या करते हैं, उसको डंप कर देते हैं और ऊपर से सॉइल से कवर कर देते हैं. सॉइल में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया जो उस डेड प्लांट या एनिमल्स के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे डिके करते हैं. तो डिके करने की वजह से क्या होता है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, मतलब वो वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन भी आ रहा है, उस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में लगातार चेंज करते रहते हैं. कौन? वही वाले बैक्टीरिया, वही वाले बैक्टीरिया. और जो अभी तक हमारी बॉडी के अंदर था, सपोज प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन था वो दोबारा सॉइल में चला गया, सॉइल से दोबारा प्लांट में चला गया, तो ये एक साइकिल बन गई ना. सो दिस साइकिल इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल. दिस साइकिल इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल. ओके. एंड सर्टेन अदर बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट विच कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इंटू नाइट्रोजन विच गोज बैक इंटू द एटमॉस्फेयर. मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आया था सॉइल में और सॉइल ने दोबारा नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में वापस कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन साइकिल का एक्सप्लेनेशन के अंदर में काउंट होगी. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो हमेशा या तो कांस्टेंट रहता है या तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन कम कभी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन साइकिल ओनली. बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजन साइकिल ओनली. इज इट क्लियर? ओके. नाउ लेट अस सी दिस नाइट्रोजन साइकिल. ओके. सो दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. Atmospheric nitrogen is fixed into the soil. Atmospheric nitrogen is fixed into the soil either by lightning, मतलब बिजली चमकने की वजह से, or by nitrogen fixing bacteria. ठीक है, या तो lightning की वजह से या तो nitrogen fixing bacteria की वजह से वो क्या होते हैं, soil में fix कर दिए जाते हैं. मतलब compounds बन जाते हैं nitrates, nitrites in form में. नाइट्रेट, नाइट्राइड्स और इनफॉर्म में. ठीक है, उसके बाद ये जो कंपाउंड्स बने इनको कौन यूज कर लेता है, प्लांट्स यूज कर लेते हैं. उन प्लांट्स को एनिमल खाता है. देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, एनिमल्स ईट द प्लांट, तो उन प्लांट्स को कौन खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे. एनिमल्स क्या करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे और अगर उनकी डेथ हो गई, उन एनिमल्स की अगर डेथ हो गई, तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, दोबारा से उसको ले जाके सॉइल में फिक्स करते हैं. किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट को चेंज करके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में. ठीक, तो अब ये कंपाउंड्स के फॉर्म में फिर से सॉइल में फिक्स हो गया, फिर से इनको प्लांट्स यूज करेंगे, प्लांट्स को फिर से एनिमल खाएंगे, एनिमल फिर से मरेंगे, उनका नाइट्रोजनस वेस्ट फिर से कहां जाएगा, सॉइल में जाएगा, सॉइल से फिर प्लांट में जाएगा. सो दिस इज मेकिंग अ साइकिल एंड दिस साइकिल इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल. दिस साइकिल इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल. एंड फ्यू बैक्टीरिया ऑल्सो कन्वर्ट दोज कंपाउंड्स इनटू द गैसियस नाइट्रोजन एंड रिलीजेस बैक इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम वेयर इट वाज बीइंग टेकन. सो दिस ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर. विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर एंड लेट्स डू फ्यू क्वेश्चन. And after doing few questions, I will be saying you goodbye. I will be saying you thank you for joining the session. And I will also be revealing that on which chapter I am going to make the next video. Okay, question is, which of the following form of nitrogen can be used by the plants? Which of the following form of nitrogen can be used by the plants? Okay, so you have to tell me the correct answer. It is nitrite, ammonia or nitrate. Nitrite, ammonia or nitrate. So which form has to be used by the plants? Where you have to tell your answers in the comment section. Next question. During lightning, atmospheric nitrogen is converted into dash
विच मिक्सेस विद रेन वॉटर एंड रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, लाइटनिंग के समय जब बिजली चमकती है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसमें चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेन वॉटर के साथ मिक्सअप होके जमीन में जाके पहुंच जाता है। ओके, फोर ऑप्शंस आर देयर, यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज नाइट्रोजन एंटर्स बॉडीज ऑफ द एनिमल। मतलब अगर हम एनिमल्स की कैटेगरी में हैं तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन कहाँ से पहुंचा, हमने ऐसी क्या चीज खाई पी जिससे नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, उन सब में नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म विच कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। उस बैक्टीरिया का नाम बताओ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसको यूजफुल फॉर्म में चेंज करता है ताकि प्लांट्स उसको इजिली यूज कर पाए, ताकि प्लांट्स उसको इजिली यूज कर पाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑल हैव टू टेल योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, वेयर एवर यू फील इट कंफर्टेबल, वेयर एवर यू फील इट कंफर्टेबल। एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन वंस अगेन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग। I have 3 videos for this chapter and that is being uploaded on the Vedantu Young Wonders page. So please revisit it again. And one more important thing is that the next video is coming on the topic combustion and flame. The next video is coming on the topic combustion and flame. Till then, bye-bye, good night, Shubh Ratri. Okay, see you soon. Bye, enjoy and please keep on learning. Bye-bye.